हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपको बताने जा रहा हूँ कि रूमिनेंट्स का जो स्टोमक होता है, जो पेट होता है, वो कैसा होता है। रूमिनेंट्स में एक पेट नहीं होता, चार पेट होते हैं। तो कौन कौन से चार पेट होते हैं और कैसे कैसे खुलते हैं, पहला कौन सा पेट होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, चौथा कौन सा होता है। तो हर जुंगाली करने वाले एनिमल्स में जो पेट होते हैं वो चार पेट होते हैं। तो आज हम चार पेट के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। तो पूरा ऑनलाइन क्लास का ये मैं वीडियो क्लिप डाल रहा हूँ, थोड़ा सा क्लिप डाल रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ कि चार पेट कैसे काम करते हैं। तो आज आपके को मिलेगा चार पेट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मेरा उद्देश्य है कि आपको अपने पशुओं के बारे में बता पाऊँ कि पशु कैसे कैसे खाते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से पेट में क्या क्या चीज़ हजम होती है, कैसे कैसे चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देंगे। अब आप ऑनलाइन क्लास का थोड़ा सा क्लिप देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। रूमिनेंट्स स्टोमक कैसा होता है ये आप देख लें। ये ईसोफेगस है, ये वो ईसोफेगस है जिस ईसोफेगस उस नली को कहते हैं जो मुंह से जुड़ती है और मुंह के बाद जहां पर बीच में जंक्शन होता है उस जंक्शन का नाम होता है फेरिंग्स। उस फेरिंग्स जंक्शन के द्वारा जो पाइप जुड़ता है उस पाइप का नाम होता है ईसोफेगस। तो मुंह के द्वारा जो हम चारा खाते हैं, खाना खाते हैं और खाने के बाद बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है उस पार्ट को कहते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स के द्वारा चीजें ईसोफेगस में आ जाती हैं और ईसोफेगस से कैसे कैसे कहां कहां जाती हैं अब आप देख लें। ईसोफेगस वो पार्ट है जिससे मुंह से इसमें चारा आता है और यहां आके खुल जाता है। ये रूमन में खुल गया और ये रेटिकुलम है। ये रेटिकुलम वो पार्ट है जो पार्ट डायफ्राम से लगा रहता है। ईसोफेगस से रूमन में खुला और फिर रूमन के बाद सारी चीजें रेटिकुलम में आती है। समझ लें, आज देख लें, कल बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। रूमन सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है। रूमन का काम है चीजों को स्टोर करना। तो ईसोफेगस से चीजें रूमन में खुले। देखो एक ही पाइप है जो रूमन के अंदर खुल गया है और कोई चीज नहीं। और रूमन से काम में जा रहा है रेटिकुलम में और रेटिकुलम से गया ओमेजम में गया। ओमेजम यहां से है और यहां से ओमेजम के बाद जाते 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 एवोमेजम आ गया और एजोमेजम स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। आज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बहुत परेशान रहते थे। रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एवोमेजम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पार्ट है स्टोमक के। तो जब कोई चीज खाई ईसोफेगस से रूमन में गई, रूमन से रेटिकुलम में गई और रेटिकुलम से ओमेजम में गई, ओमेजम से एवोमेजम में गई। इस बार तो इसका मतलब कितने पेट हुए जानवर के। जो रूमिनेंट्स हैं वो फोर स्टोमक होते हैं, उसके चार पेट होते हैं। पहला पेट का नाम है रूमन, दूसरी पेट का नाम है रेटिकुलम, तीसरी पेट का नाम है ओमेजम, चौथे पेट का नाम है एवोमेजम। उसके बाद आंत शुरू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज हमने आपको ये भी बता दिया कि रूमिनेंट्स का जो स्टोमक है वो कैसा कैसा होता है, कहां कहां रहता है। तो ये हम आगे